अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबैदा देसी किचन के साथ। बीवस आज मैं चिकन कॉर्न सूप बनाने वाली हूँ। ये चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं ये दो गिलास पानी डालूँगी। ये दो गिलास पानी मैंने डाल दिया। अब जैसे ये पानी उबाला खाएगा फिर इसमें मैं चिकन कॉर्न सूप घोल के डाल दूंगी। बस ये चिकन कॉर्न सूप है प्याले में, इसे मैं एक गिलास पानी में घोलूंगी। ये एक गिलास पानी है, इसमें अच्छी तरह मैं इसे घोलूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल, बिकस ये पानी को उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ये मैं चिकन कॉर्न सूप डालने वाली हूँ। ये ऐसे लाती जाऊँगी, इसे आस्ते 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 हिलाना है। बस ये 3 मिनट इसे हो चुके हैं पकाते हुए। अब मैं इसमें फेंट के अंडा डालने वाली हूँ। माशाल्लाह से खुशबू अच्छी आ रही है। ये अंडा मैंने फेंट लिया है, अब इसे मैं इसमें मैं अंडा डालती हूँ। ऐसे आराम आराम से इसमें अंडा डाल के तो मैं इसे चमचा हिलाती जाऊँगी। चूल्हा बंद करके इसे 2 मिनट दम पे लगाऊंगी, फिर मैं इंशाल्लाह डिश आउट करने वाली हूँ। ये मैंने सूप दम पे लगा दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हो चुका है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इंशाल्लाह मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बस ये देखें सूप बन के तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से खूबसूरत भी लग रहा है। आज बारिश भी बहुत ज़्यादा है, अहमदाबाद में सर्दी भी है, तो ऐसे में बनता है आज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबा दें। इंशाल्लाह वीडियो आने वाली टाइम पे आपको मिलेगी। आप जहाँ भी हैं आज़ाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।